ग्वालियर में शराब ठेकेदारों ने शराब के लाइसेंस सरेंडर कर दिए हैं। शराब ठेकेदारों का कहना है कि 2 महीने शराब की बिक्री नहीं हुई है, जिसके चलते उनको घाटा लगा है और वे 2 महीने की लाइसेंस फीस और बैंक गारंटी नहीं चुका सकते। जबलपुर हाई कोर्ट के राहत न दिए जाने के बाद शराब ठेकेदारों ने यह निर्णय लिया। अंग्रेजी और देसी शराब की दुकानें चालू वित्तीय वर्ष में चलाने से दुकानदारों ने हाथ खड़े कर दिए हैं। करीब 400 करोड़ के ग्वालियर जिले के शराब ठेकों को 2 ग्रुप में दिया गया था। उन्होंने 5% की अनरेस्ट मनी भी आबकारी विभाग में जमा कराई थी, लेकिन कोरोना वायरस के कारण लगे लॉकडाउन में 1 अप्रैल से मई में यह दुकानें विधिवत रूप से संचालित नहीं हो सकी। इस बीच लॉकडाउन के चलते सभी शादी समारोह और होटलों पर भी तालाबंदी का असर देखा गया था, जिसके कारण शराब की खपत 0 हो गई। हालांकि पिछले महीने 6 मई से सरकार ने ग्रीन जोन में दुकानें संचालित करने के लिए ठेकेदारों को अनुमति दी थी, लेकिन दुकानदारों ने 2 महीने की लाइसेंस फीस और बैंक गारंटी जमा करने से हाथ खड़े कर दिए थे। उनका कहना था कि दुकानें बंद होने से उन्हें बड़ा घाटा हुआ है, इसीलिए वे 2 महीने की लाइसेंस फीस नहीं चुका सकते। अभी कोर्ट ने 3 दिन का लाइसेंसियों को दिया था टाइम, 3 दिन में अपना निर्णय ले चलाएंगे दुकान या नहीं चलाएंगे, उसके बाद हम उस पर कार्रवाई करेंगे। तो ग्वालियर में ठेकेदार द्वारा कल सिलेंडर का आवेदन दे दिया गया है, हमारी दुकान सिलेंडर है, हम नहीं चलाएंगे। अब हम लोग इंतजार कर रहे हैं शासन का क्या आदेश आता है, हम लोगों को आगे उसमें क्या कार्रवाई करनी है। आगे जो भी शासन का आदेश आएगा उसमें कार्रवाई करने के लिए तत्पर बैठे हुए। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।